तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, तो फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी समाप्त कर दिए थे। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। तो ध्यान देंगे कि ईथर जो है कि दो प्रकार का होता है, एक सिंपल ईथर, दूसरा मिक्स ईथर। तो पिछले क्लास में इसको हम लोग पिछले वीडियो में आपको बताए हुए थे कि ईथर कितना प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल ईथर का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद मिक्स ईथर का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो आइए, यहाँ पर हम हेडिंग दिए हुए हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। इसमें हम लोग सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं सिंपल ईथर का रिएक्शन। तो सिंपल ईथर का रिएक्शन सबसे पहले किससे कराने जा रहे हैं, HX से, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड से। तो इसमें होता है कि यहाँ पर एक सिंपल ईथर लिख दिया आर ओ और फिर आर ऑक्सीजन के दोनों तरफ यदि सेम ग्रुप रहे तो उसको हम लोग सिंपल ईथर कहते हैं। तो इसका रिएक्शन HX से कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, यह बॉन्ड ओ आर और एच मिलके अल्कोहल बना लेगा और यह एक्स आके यहाँ पर जुड़कर अल्काइल हैलाइड बना लेगा। तो जब भी सिंपल ईथर का रिएक्शन हम लोग कराएंगे HX के साथ तो दो तरह के कंपाउंड बनेगा, एक अल्काइल हैलाइड और दूसरा अल्कोहल बन जाएगा। अब सवाल है कि अब बना कैसे, तो आइए इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर यह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ सिंपल ग्रुप है, सेम ग्रुप है। सिंपल कहने का मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ यदि सेम ग्रुप हो तो इसी को सिंपल ईथर कहते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की इधर भी मिथाइल और इधर भी मिथाइल, तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम ग्रुप है तो यह एक सिंपल ईथर हुआ। इसका रिएक्शन HI से कराते हैं। तो होता क्या कि यहाँ से बॉन्ड टूटता है, यहाँ पर जो कि O और H मिलकर CH3O और H मिलकर यह मिथाइल अल्कोहल बना लेता है और यह ICH3 का आकर साथ जुटकर यह मिथाइल आयोडाइड बना लेता है। तो सवाल ये कैसे बना, तो आइए इसको यहाँ पर बताते हैं कि यह कैसे टूटता है। यहाँ से यह बॉन्ड इधर इस प्रकार से टूटता है, तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज और मिथाइल ग्रुप पर यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो यह जो आपको प्लस चार्ज आ गया मिथाइल ग्रुप पर, तो यह कैसे टूटेगा HI, तो यह आई के तरफ टूटता है क्योंकि आयोडीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होता है। तो यह बॉन्ड इस तरह से टूटता है तो यहाँ पर आई पर माइनस चार्ज आ जाता है और H पर प्लस चार्ज आता है। तो इसका प्लस इसका माइनस मिलकर अल्कोहल बना लिया और इसका माइनस और इसका प्लस मिलकर क्या बना लिया, मिथाइल आयोडाइड बना लिया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, बिल्कुल आसान रिएक्शन है कि यह बॉन्ड यहाँ से टूटे तो वही कंपाउंड बनेगा और यहाँ से टूटेगा तो वही कंपाउंड बनेगा। यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो ऊपर माइनस आएगा तो फिर यह माइनस इस H प्लस से रिएक्शन करके अल्कोहल बना लेगा और इस पर यदि प्लस आता है तो I माइनस रिएक्शन करके मिथाइल आयोडाइड बना लेता है। तो बिल्कुल आसान है सिंपल ईथर, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए सिंपल ईथर पर एक हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं कि यह एग्जाम में जो पूछा जाता है उस आधार पर। तो आइए सिंपल ईथर पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया आपसे कि विच वन रिएक्ट फास्ट, यानी कि हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी लिखेंगे कि निम्नलिखित में कौन अधिक तेजी से अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है डाइमिथाइल ईथर का रिएक्शन HI से कराया गया, फिर डाइमिथाइल ईथर का रिएक्शन HBr से कराया गया, उसके बाद आपको डाइमिथाइल ईथर का रिएक्शन जो है कि HCl से और लास्ट में HF से कराया गया। तो आपसे पूछा जा रहा कि निम्नलिखित में कौन सा अधिक तेजी से रिएक्शन होगा। तो इधर देखेंगे तो यह सब सेम कंपाउंड है लेकिन इधर क्या है, चेंजिंग हो रहा है। तो इसमें जो पहले टूटेगा वही पहले रिएक्शन करेगा। तो सवाल यह है कि इन सभी में सबसे पहले कौन टूटेगा। तो आप ध्यान देंगे जिसका बॉन्ड लेंथ अधिक होता है वही कंपाउंड पहले टूटता है, वह थोड़ा सा एनर्जी देंगे वह टूट जाएगा। तो सबसे बड़ा कंपाउंड का बॉन्ड लेंथ होता है आयोडीन का, तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53, ब्रोमीन का 35, क्लोरीन का 17 और फ्लोरीन का 9। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ एटॉमिक नंबर, तो आयोडीन का, इसलिए इसका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होगा और यह जो सबसे बड़ा होगा वही पहले टूटता है। इसको पहले भी आपको हेलो एल्केन हेलो रिंग में बताया जा चुका है। तो यह आपका होता है इसका एटोमिक नंबर, यहाँ पर लिख देता है 35, इसका होता है आपको 53। आयोडीन का एटोमिक नंबर कितना होता है तो 53 होता है, यहाँ पर ब्रोमीन का 35 होता है, क्लोरीन का 17 और फ्लोरीन का 9 होता है। तो जो पहले टूटेगा वही पहले रिएक्शन करेगा। तो इसमें सबसे पहले कौन टूटेगा, आयोडीन टूटेगा क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है। क्यों बड़ा, क्यों टूटेगा, तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि एक छोटा सा यह है इसको हम लोग तोड़ेंगे तो काफी एनर्जी लगेगा लेकिन एक बड़ा हम लोग छड़ी ले ले तो उसको आसानी से हम लोग तोड़ सकते हैं। तो इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है इसीलिए पहले टूटेगा तो रिएक्शन सबसे फास्ट हो जाएगा यह। यदि इसका ऑर्डर आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या होगा तो सबसे अधिक तेजी से होगा ए, उसके बाद बी, तब सी और सबसे कम रिएक्शन किसका होगा,
डी का सबसे कम रिएक्शन होगा। तो यह जो सिंपल इथर पर कुछ एग्जांपल आपको दिया गया है और इस पर एक क्वेश्चन बताया गया। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर कि सिंपल इथर के बाद अब पढ़ते हैं मिक्स इथर का केमिकल प्रॉपर्टी। तो हेडिंग देंगे मिक्स इथर, हेडिंग दीजिए मिक्स इथर। तो आइए यहाँ पर देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिक्स इथर। तो मिक्स इथर किसे कहेंगे, यदि ऑक्सीजन के दोनों साइड हम ध्यान देते हैं तो यदि ऑक्सीजन के दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप हो तो यह मिक्स इथर कहलाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के एक साइड तो मिथाइल ग्रुप है और दूसरे साइड इथाइल ग्रुप है, तो इसी तरह के कंपाउंड को हम लोग मिक्स इथर कहते हैं। यदि ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम ग्रुप हो जाए तो उसे सिंपल इथर कहते हैं। तो यह मिक्स इथर का रिएक्शन हो गए एचआई के साथ कराते हैं। तो मिक्स इथर का रिएक्शन जब एचआई के साथ कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो सिंपल इथर तो बिल्कुल आसान था, लेकिन मिक्स इथर में आपको समझना होगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यदि इससे रिएक्शन कराते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट संभव है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। यदि रिएक्शन कराते हैं तो एक प्रोडक्ट आपको क्या बनेगा, CH3OH और प्लस C2H5I बनेगा। यह आपको पहला प्रोडक्ट के रूप में बन सकता है CH3OH और C2H5I। दूसरा क्या प्रोडक्ट बन सकता है आपको, तो दूसरा प्रोडक्ट C2H5OH और प्लस CH3 और I बन सकता है दूसरा प्रोडक्ट। तीसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, तो तीसरा प्रोडक्ट में कहा जा सकता है कि बोथ बनेगा, यानी कि इनमें से दोनों बनेगा, और चौथा प्रोडक्ट में नॉन, इनमें से कोई नहीं बनेगा। तो सवाल है कि यह कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट सही है, इसीलिए मिक्स इथर काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो इथर का जब भी रिएक्शन आप लोग पढ़ेंगे तो मिक्स इथर हमेशा ध्यान में रखेंगे, मिक्स इथर काफी इम्पोर्टेंट रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या है कि यदि आपको यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो मिथाइल अल्कोहल और आयोडाइड बन जाएगा, और यदि यह बॉन्ड टूटता है तो आपको इथाइल अल्कोहल और मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा। तो सवाल यह है कि इसमें यह बॉन्ड टूटेगा तो दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा और यह बॉन्ड टूटेगा तो दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा, जबकि मिक्स इथर में यह बॉन्ड टूटे या यह बॉन्ड टूटे एक ही टाइप का प्रोडक्ट संभव था। लेकिन यदि इसमें मिक्स सिंपल इथर में सिंपल इथर में यह बॉन्ड टूटे या यह बॉन्ड टूटे तो एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनता था। लेकिन मिक्स इथर में क्या है कि यह बॉन्ड टूटेगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा और यह बॉन्ड टूटेगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो सवाल यह है कि सब सही कौन सा है, कौन सा प्रोडक्ट इसमें सही होगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं या फिर इसका आंसर देखते हैं कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ एक कार्बन है और तीन हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर लिख दिए कार्बन और तीन हाइड्रोजन। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन लिख दिए, उसके बाद एक कार्बन दो कार्बन है, तो दो कार्बन और जो है कि आपको यहाँ पर पांच हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर पांच हाइड्रोजन लिख दिए। तो अब इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, तो एच आई के साथ रिएक्शन कराना है। तो इसमें होता क्या है कि यह कार्बन के यदि डिग्री देखते हैं तो यह जीरो डिग्री कार्बन हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के एक भी साइड कार्बन के कंपाउंड नहीं है, और इस कार्बन पर आते हम लोग तो यह कार्बन जो है कि इसके दो साइड हाइड्रोजन है लेकिन एक साइड इसके कार्बन के कंपाउंड है, या कार्बन का कंपाउंड है, इसीलिए इसका डिग्री हो जाएगा वन डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे तो इथर में जो दो अल्काइल ग्रुप है तो एक अल्काइल ग्रुप तो आपको जीरो डिग्री है जबकि दूसरा अल्काइल ग्रुप वन डिग्री है। तो मिक्स इथर का जो नियम है कि मिक्स यदि मिक्स इथर में जीरो डिग्री वन डिग्री या टू डिग्री अल्काइल ग्रुप हो तो जो लोअर ग्रुप होता है वही आयोडाइड का निर्माण करता है। तो यह आपको लोअर ग्रुप हो गया, एक कार्बन जीरो डिग्री है, और यह क्या हो गया जो है कि हायर ग्रुप हो गया क्योंकि यह वन डिग्री है। तो हमेशा याद रखेंगे, अभी इसको हम लिख भी देंगे कि मिक्स इथर में यदि जीरो डिग्री वन डिग्री टू डिग्री अल्काइल ग्रुप हो तो लोअर ग्रुप आयोडाइड बनाता है। तो लोअर ग्रुप यह है तो यह आयोडाइड बनाएगा, यानी कि यह बॉन्ड जो है कि इधर से ऐसे टूटेगा, तो यह क्या बनाएगा आपको यहाँ पर सी एच, फिर एच, यहाँ पर एच, इस पर प्लस आ जाएगा, और यह क्या बनाएगा आपको ओ पर माइनस सी एच, यहाँ पर एच, फिर सी एच, यहाँ पर एच और यहाँ पर एच। तो यह जो है कि आपको इस तरह से बन जाएगा, और यह तो आप जानते हैं कैसे टूटेगा, तो एच प्लस या इस प्रकार से टूटेगा तो एच पर प्लस और आई पर माइनस बन जाएगा। तो यह प्लस जो है कि इस माइनस से आके जुटेगा और यह माइनस इस प्लस से आकर जुटेगा, तो कंपाउंड आपका इस तरह से बन जाएगा सी एच, यहाँ पर एच एच, और यहाँ सी पर प्लस है और यहाँ पर सी पर प्लस है और आई पर क्या है माइनस है,
तो सी आई के साथ जुड़कर यह मिथाइल आयोडाइड बना लेगा। क्या बना लेगा? मिथाइल आयोडाइड बना लेगा, आयोडाइड। और यह ऑक्सीजन पर माइनस है और हाइड्रोजन पर प्लस है, यह मिलकर आपको अल्कोहल का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ पर कौन सा कंपाउंड आपको बन जाएगा? यहाँ पर ओ के साथ एच आके जुट जाएगा, इस ओ के साथ यह एच जुटेगा तो यह बन जाएगा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मिक्स इथर में ऑक्सीजन के दोनों साइड हम लोग अल्काइल ग्रुप देखेंगे। यदि 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो तो जो लोअर ग्रुप होता है वही आयोडाइड का निर्माण करता है। तो यहाँ पर अभी हम आपको लिख दे रहे हैं और हिंदी मीडियम जो भी विद्यार्थी हैं इस बात को सुनकर लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी के लिए यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा चुका है, इफ मिक्स इथर कंटेन 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप देन लोअर ग्रुप फॉर्म्ड इथर। ये इसका हिंदी में क्या मतलब होता है कि यदि मिक्स इथर में 0 डिग्री, 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो तो जो लोअर ग्रुप होगा वही जो है कि लोअर ग्रुप फॉर्म आयोडाइड इथर, नहीं सॉरी, लोअर ग्रुप फॉर्म हैलाइड या आयोडाइड। तो लोअर ग्रुप फॉर्म हैलाइड, HALID, हैलाइड कंपाउंड। तो लोअर ग्रुप जो है कि हैलाइड कंपाउंड का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर यह जो है कि लोअर ग्रुप 0 डिग्री हुआ तो यहाँ पर यह हैलाइड का निर्माण किया है। यहाँ पर हैलोजन की जगह पर आयोडीन है इसीलिए आयोडाइड बनाया है। यहाँ पर आपको क्लोरीन ब्रोमीन भी रह सकता है तो जो होगा वही आपको बनाएगा, इसीलिए कॉमन टर्म लिख दिया गया हैलाइड। तो ध्यान रखेंगे कि यदि मिक्स इथर में 0 डिग्री, 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो तो उन दोनों में जो लोअर ग्रुप होगा वही जो है कि हैलाइड यानी कि आयोडाइड ब्रोमाइड का निर्माण करेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो हम लोग देखे कि मिक्स इथर में 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री हो तो लोअर ग्रुप आयोडाइड बनेगा, लेकिन यदि 3 डिग्री ग्रुप हो जाए तब क्या होगा? आइए अब देखते हैं हम लोग इस पर जो है कि एक दूसरा जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। मान लीजिए यह जो है कि मिक्स इथर का पहला रिएक्शन हुआ, अब आइए मिक्स इथर का हम लोग दूसरा रिएक्शन देखते हैं जिसमें कि 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो तब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि यह एक मिक्स इथर है क्योंकि ऑक्सीजन के इधर 2 कार्बन के कंपाउंड है और ऑक्सीजन के इधर 3, 1, 4 कार्बन के कंपाउंड है। यहाँ पर 1 कार्बन, 2, 3, 1, 4 टोटल 4 कार्बन का कंपाउंड है और इधर 2 कार्बन का कंपाउंड है, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन के संख्या बराबर नहीं है तो यह मिक्स इथर का लगेगा। अब इसका रिएक्शन है चाय के साथ कराते हैं तो क्या बनना चाहिए? तो यहाँ पर 4 जो की प्रोडक्ट है। अच्छा, पिछला क्वेश्चन में अभी जो आपको बताया गया था उसमें शायद एंसर आपको नहीं बताया, तो एक्सप्लेनेशन में जो एंसर होगा वही ऑप्शन ए या बी में जो भी सही होगा उसको आप लोग सही कर लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि अब इसमें 4 ऑप्शन फिर इसमें है तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? तो यदि आपको यहाँ पर रूल कहता है कि यदि मिक्स इथर में जो है कि 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो तो हायर ग्रुप आयोडाइड का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपका मिक्स इथर है तो मिक्स इथर में यह जो है कार्बन, यह जो कार्बन है तो इस कार्बन के पास यह 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड कार्बन के कंपाउंड है तो यह 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। और इस कार्बन के पास आप देखते हैं तो यहाँ पर इस कार्बन की 1 ही साइड कार्बन के कंपाउंड है इसीलिए यह 1 डिग्री कार्बन अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। तो यदि मिक्स इथर में 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो तो जो हायर ग्रुप होगा वही आयोडाइड का निर्माण करेगा, यह आपका रूल कहता है। और इस स्थिति में यह रिएक्शन SN1 फॉलो करेगा। कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा? इस स्थिति में SN1 फॉलो करेगा। और इसके पहले जो आपको बताया गया वहां पर जो है कि इसे जस्ट पहले भी जो बताया गया, तो यदि मिक्स इथर में 1 डिग्री, 0 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो तो वहां पर SN2 फॉलो करता है। आप लोग तीर के ऊपर वहां पर SN2 लिख लेंगे, वहां पर छूट गया था तो वहां पर क्या लिख लेंगे? तीर के ऊपर SN2 लिख लेंगे। दो चीज छूट गया, एक तो ऊपर SN2 लिखना है तीर के ऊपर इसके जस्ट पहले वाले रिएक्शन में, और इसमें जो ऑप्शन क्या सही होगा उसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। आंसर देखकर जो आंसर हम बताए वही आंसर उसमें टिक कर लेगा। एक मिथाइल आयोडाइड आंसर होगा और दूसरा क्या बनेगा आपको? अल्कोहल बनेगा, इथाइल अल्कोहल। तो चारों में से जो ऑप्शन सही होगा, यह दोनों तो नहीं होगा, इन दोनों में से जो सही होगा उसको आप लोग सही कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे SN2। तो अब आते हैं यहाँ पर देखते हैं कि यदि मिक्स इथर में आपको 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो तब क्या होगा? तो मिक्स इथर में 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो तो उस समय जो
थ्री डिग्री अल्काइल ग्रुप है वही जो है कि आयोडाइड का निर्माण करता है, क्योंकि उस स्थिति में रिएक्शन का ऑर्डर हो जाता है SN1 रिएक्शन, और SN1 में हमेशा आपको बताया गया था कि थ्री डिग्री रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। तो यहाँ से थ्री डिग्री यह जो है तो यहाँ पर होता क्या कि यह बॉन्ड आपको इस प्रकार से टूटेगा, तो टूटेगा तो क्या बनाएगा CH3 यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 यहाँ पर जो है कि आपको इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और O यहाँ पर H फिर यहाँ पर H फिर यहाँ पर H और H यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस चार्ज आ जाएगा और यह कैसे टूटेगा H पर प्लस और I पर माइनस। तो इस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर जो है कि यह माइनस है इस प्लस के साथ आकर जुटेगा, यह प्लस इस माइनस के साथ आकर जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा तो आपको जो है कि यहाँ पर यह प्रोडक्ट बन जाएगा ऑप्शन ए बन जाएगा। तो ऑप्शन ए सही होगा, बाकी ऑप्शन क्या है गलत है। तो इससे पिछला जो क्वेश्चन उसमें ऑप्शन आंसर तो आपको बता दिया गया था लेकिन ऑप्शन नहीं बताए थे, तो वह ऑप्शन उसमें देखकर टिक कर लेंगे, साथ में तीर के ऊपर लिख देंगे SN2 रिएक्शन, क्योंकि जब मिक्स इथर में 0 डिग्री 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप होता है तो उस समय वह SN2 ऑर्डर का फॉलो करता है, और जब 3 डिग्री होता है तो उस समय SN1 ऑर्डर का फॉलो करता है, और जो हायर ग्रुप है वही आयोडाइड का निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखिये हायर ग्रुप आयोडाइड का निर्माण किया गया है, यहाँ पर कैसे टूटता है बॉन्ड यहाँ पर आपको लिख दिया गया है। अब इस चीज को अब नोट में अभी हम लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग लिख लेंगे इसको। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर दिया गया है, देखिए यहाँ पर लिख दिया गया कि इफ मिक्स इथर कंटेन 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप देन हायर ग्रुप फॉर्म्ड हैलाइड। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी क्या लिखेंगे कि यदि मिक्स इथर में 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप पाया जाता है तो जो हायर ग्रुप होगा वही हैलाइड का निर्माण करेगा, यानी आयोडीन से रिएक्शन करेंगे तो हायर ग्रुप आयोडाइड बनाएगा, ब्रोमीन से रिएक्शन करेंगे तो हायर ग्रुप ब्रोमाइड बनाएगा, कोलिन से रिएक्शन करेंगे तो हायर ग्रुप क्या बनाएगा कोलाइड बनाएगा। तो दोनों में आपको ध्यान देना है, मिक्स इथर में थोड़ा सा ध्यान देना है, सिंपल इथर में तो ऐसा तो कुछ नहीं था, यहाँ से टूटे या यहाँ से टूटे सेम कंपाउंड बनता था, लेकिन मिक्स इथर में आपको ध्यान देना होगा कि जब भी इथर का रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन के दोनों ग्रुप तरफ जो अल्काइल ग्रुप है उसका पहले डिग्री आप पहचानिएगा कि कितना डिग्री है, यदि उसमें 0 डिग्री 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो तो जो लोअर ग्रुप है वही आयोडाइड का निर्माण करता है, लेकिन यदि आपको मिक्स इथर में 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो तो जो हायर ग्रुप है वह आयोडाइड का निर्माण करेगा। यहाँ पर लिख दिया गया, इसको आप लोग ध्यान देंगे और ध्यान से इसको अच्छे से बनाएंगे, यहाँ से काफी क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है और आपके एग्जाम में भी इससे अभी काफी अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इसके आधार पर आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है वह बता देते हैं या फिर कुछ होमवर्क बता देते हैं, एक क्वेश्चन अभी बनवाएंगे या फिर उसके बाद आपको होमवर्क बता देते हैं। तो यहाँ पर आपको पता करना है कि लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि आपको इसमें पता करना है कि इसमें या इसमें से कौन सा प्रोडक्ट सही है या कौन सा प्रोडक्ट जो है कि उचित है। तो इसमें लिखा गया फाइंड द प्रोडक्ट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फाइंड द करेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, फाइंड द करेक्ट प्रोडक्ट यानी कि सही प्रोडक्ट बतावे, तो फाइंड द यहाँ पर लिख देते हैं फाइंड द करेक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट। तो हिंदी मीडियम वाले जो भी विद्यार्थी हैं वह लिखेंगे कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए सही उत्पाद बनाएं, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या लिखे हैं कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए सही उत्पाद बनाएं, यह आपका क्वेश्चन हो गया, चार ऑप्शन दिया गया तो इसमें सही कौन है। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें जो है कि यदि मिक्स इथर में लोअर ग्रुप और हायर ग्रुप का कंडीशन तो हम लोग देख लिए, लेकिन यदि मिक्स इथर में बेंजीन रिंग आ जाए तब कैसे रिएक्शन करेंगे, तो इसके लिए फिर अलग कंडीशन है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, यह बॉन्ड रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है, यहाँ पर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल और डबल, तो यह बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसमें कैसा कैरेक्टर रहता है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, इसीलिए यह बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है। तो उस स्थिति में यहाँ पर से जी बॉन्ड टूटेगा, यह सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना काफी आसान होता है, सिंगल बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, इसीलिए यह बॉन्ड टूटेगा, तो यह इस प्रकार से टूटेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग जो है आपको बेंजीन रिंग इसमें O पर माइनस और CH3 पर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो CH3 पर यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया
और यह कैसे टूटता है, तो एच पर प्लस और आई पर माइनस टूटेगा। तो आप देख सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो यहाँ पर जो माइनस है इस पर यह प्लस से आके जुटेगा और यह फिनॉल बन जाएगा, और यह प्लस है इससे माइनस आके जुटेगा और आयोडाइड बन जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन ए जो है कि सही आंसर होगा। तो जब भी बेंजीन का रिएक्शन हम लोग करेंगे तो ध्यान देना होगा कि इधर का बॉन्ड तोड़े या इधर का, तो उस स्थिति में रेजोनेंस पर ध्यान देंगे। रेजोनेंस के कारण यदि कोई डबल बॉन्ड हो इस प्रकार से तो वह नहीं टूटेगा, उसके बगल वाला सिंगल बॉन्ड तोड़ेंगे। तो इस आधार पर जो आपको बताया है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिक्स ईथर, तो इसमें आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अपने से बनाए, और यदि आपसे नहीं बनता है तो इसको हम फिर अपने से एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ पर उदाहरण 11.7 में 3 क्वेश्चन दिया गया है, यह बनाया गया, आप लोग खुद से बनाए देखें और खुद से बनाइएगा तो आप सीखिएगा। यदि सभी क्वेश्चन हम बना देते हैं तो आप कुछ नहीं सीख पाइएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको बनाइए, फिर डाउट होगा आप लोग को तो हम कल फिर इसको अगले वीडियो में बताएंगे बनाएंगे। इसमें जो है कि इंग्लिश मीडियम में होगा उदाहरण एग्जाम्पल 11.7, हिंदी मीडियम में उदाहरण 11.7। तो यह कुछ इतर का जो है कि रिएक्शन है जो अभी बताया गया, उस आधार पर आपको क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा, इसीलिए आप लोग उसको खुद से बनाए। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला रिएक्शन हम लोग का है रिएक्शन ऑफ मिक्स इथर विथ ब्रोमीन। तो मिक्स इथर का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारे बुक में दिया है, यह देखिए आपको एक मिक्स इथर है, ऑक्सीजन के इधर एक कार्बन का कंपाउंड और ऑक्सीजन के इधर जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड यानी कि बेंजीन रिंग है। तो ऑक्सीजन के दोनों साइड देखेंगे हम लोग तो सेम ग्रुप नहीं है, तो इस प्रकार के इथर को क्या कहेंगे, मिक्स इथर कहेंगे। तो मिक्स इथर का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करा रहा है तो एक ऑर्थो ब्रोमोमिथ जो है कि ऑर्थो ब्रोमोटोलिन इसको कहते हैं, या मिथाइल बेंजीन को हम लोग टोलिन भी कहते हैं। तो ये ऑर्थो ब्रोमोटोलिन बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, पारा ब्रोमोटोलिन बनेगा। तो इसमें क्या है कि इस कंपाउंड को हमारे बुक में एक कॉमन नाम से जाना जाता है, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एनिसोल। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एनिसोल कहते हैं। तो यह एनिसोल है ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहा है, तो ऑर्थो जो कि यहाँ पर देखिए गलत हो गया, यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ओ और CH3, फिर यहाँ भी आपको ओ और CH3 होगा, तो यह हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। और यह जो कंपाउंड है यह हो जाएगा पारा ब्रोमो एनिसोल, इसको हम लोग कहेंगे पारा ब्रोमो एनिसोल। तो इसमें दो तरह का कंपाउंड का निर्माण होता है, एक ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल और दूसरा पारा ब्रोमो एनिसोल, यह हमारे बुक में दिया है। अब सवाल है कि अब बना कैसे, तो आइए इसको समझने के लिए हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट है तो दो स्टेप में मैकेनिज्म होगा, तो मैकेनिज्म हमारे बुक में नहीं दिया है, फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिखते हैं मैकेनिज्म है कि आपको एग्जाम में याद हो तो लिखेंगे, नहीं याद हो तो नहीं लिखेंगे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जो है कि समझने के लिए मैकेनिज्म काफी जरूरी है। तो यहाँ पर देखते हैं, लिखते हैं कि स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में जो एनिसोल है, इस एनिसोल का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, तो बेंजीन रिंग के साथ, सॉरी यहाँ पर ब्रोमीन के साथ कराते हैं। तो ब्रोमीन को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं Br और Br, यहाँ पर आपको H रहता है तो यह H और यह Br, H Br क्या होता है बाहर निकलता है और यह ब्रोमीन आके यहाँ पर जुड़ जाता है, तो कंपाउंड बनेगा CH3O, यहाँ पर बेंजीन रिंग और यहाँ पर आपको ब्रोमीन आके जुड़ गया और एक HBr क्या हो गया बाहर निकल गया। फिर दूसरा स्टेप में जो मैकेनिज्म होगा, तो आइए दूसरा स्टेप देखते हैं, पहला स्टेप का कंपाउंड बन चुका है, अब आइए हम लोग देखते हैं स्टेप सेकंड। तो यहाँ पर जब एनिसोल का रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, ब्रोमीन के साथ कराते हैं, Br2 के साथ Br और फिर Br, तो यहाँ से होता क्या है, एक बार यहाँ से पारा से एच और यहाँ से एक Br, HBr बाहर निकलेगा और यह ब्रोमीन आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड बनेगा CH3O, फिर यहाँ पर बेंजीन रिंग और यहाँ पर आपको ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा, HBr क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा।
तो बुक में जो रिएक्शन दिया गया है उसमें साइड प्रोडक्ट यानी HBr को यहाँ पर नहीं लिखा गया है, जबकि यहाँ पर दो HBr बाहर निकलना चाहिए। कितना HBr बाहर निकलना चाहिए? तो दो HBr बाहर निकलना चाहिए, एक मोल इसके के लिए और एक मोल इसके लिए। तो यही जो आपका रिएक्शन है, एक ऑर्थो और एक पारा कंपाउंड का निर्माण होता है। तो या मिथाइल बेंजाइल ईथर को हम लोग कॉमन नाम में एनिसोल के नाम से भी जानते हैं। तो अब सवाल यह है कि यह तो प्रोडक्ट बन गया, अब दूसरा सवाल यह है कि यह ब्रोमीन ऑर्थो और पारा पर ही क्यों जुड़ रहा है, यहाँ पर ऑर्थो और पारा पर ही क्यों जुड़ रहा है। तो आइए इसका भी हम लोग जवाब देख लेते हैं कि ऑर्थो पारा पर यह क्यों जुड़ता है। तो ध्यान देंगे कि यह जो है कि इसके पास लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर के कारण यह जो है कि डोनर होता है, और डोनर ग्रुप के कारण इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ऑर्थो और पारा पर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ऑर्थो और पारा पर बढ़ जाता है, यानी ऑर्थो और पारा पर नेगेटिव चार्ज का मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाता है रेजोनेंस के कारण। और यहाँ से जो ब्रोमीन टूटता है तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यहाँ पर Br लिखते हैं, Br तो दो दो चार दो छह और एक सात, तो ये इस ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसीलिए वहीं पर अटैक करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। तो इलेक्ट्रॉन अधिक कहाँ होता है? ऑर्थो और पारा पर होते, इसीलिए ऑर्थो और पारा के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और दूसरा ब्रोमीन वहां पर जाकर जुड़ जाता है। तो यह तो था रिएक्शन ऑफ मिक्स इथर विथ ब्रोमीन। आगे एक दो रिएक्शन और है तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग का जो कि मात्र दो रिएक्शन और बचा हुआ है, और साथ में कुछ अल्कोहल जो है के उपयोग है, मिथाइल अल्कोहल, वुड स्प्रिट और इथाइल अल्कोहल कैसे बनता है, उसके बाद हमारा यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग अपने चैप्टर के समाप्ति पर पहुंच गए हैं, यानी कि कल हम लोग का यह चैप्टर जो है कि समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका काम है कि आप खुद से घर पर बैठ के क्वेश्चन वेश्चन बनाइए, जो भी डाउट होगा उसको एक क्लास खुलेगा तो उसमें क्वेश्चन को आपको फिर से बनवाया जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे आपको एमीन, तो एमीन एक छोटा चैप्टर, इसके बाद हम लोग एमीन पढ़ेंगे। उसके बाद एक चैप्टर और बचेगा एल्डिहाइड कीटोन और इथर, एल्डिहाइड कीटोन और ईस्टर। तो इसके बाद हमारा जो है कि ऑर्गेनिक समाप्त हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक में कुल चार चैप्टर है, दूसरा चैप्टर हम लोग का कल समाप्त हो जाएगा, दो चैप्टर और बचेगा, एक एमीन और दूसरा एल्डिहाइड कीटोन। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे एमीन, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन। तो आप लोग पढ़ते रहिए, उसका जो होमवर्क में क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में उसको बनाइए, बाकी जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको हम लोग क्लास खुलेगा तो फिर आपको बताएंगे। अब रहा सवाल कि क्लास कब खुलेगा और जो है कि कैसे हम लोग का पढ़ाई होगा, तो बहुत सारे विद्यार्थी कॉल कर रहे हैं या पूछ रहे हैं, तो उसका जवाब यह है कि देखिए अभी पेशेंट जो है घटते जा रहा है, अभी पॉजिटिव केस हम लोग को अभी नहीं मिल पा रहा है। तो है क्या कि धीरे धीरे जैसे लोग जो है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं तो केस जो है कि काफी हद तक कम हो चुका है, सबको इसके प्रति जागरूक भी होगा। तो मेरा जो उम्मीद है वो हमको संभवतः जुलाई में हम लोग का क्लास जो है कि शुरू हो जाना चाहिए। तो तब तक जो है कि एक महीना जो समय बचा है उस एक महीना में हम कोशिश करेंगे कि आपका जो है कि ऑर्गेनिक फाइनल कर दिया जाए। तो हो सकता है कि जुलाई में हम लोग का संभवतः कोचिंग खुले, तो जब खुलेगा तो हम लोग उस समय फिजिकल और इनऑर्गेनिक बचा रहेगा, तो फिजिकल इनऑर्गेनिक पढ़ लेंगे और लास्ट में जो दो तीन महीना का समय बचेगा उसमें ऑर्गेनिक फिर से आप लोग एक बार रिवाइज कर देंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, दो तीन दिन जो वीडियो आपका नहीं बना है उसका कारण आप समझ रहे हैं कि यह जो तूफान आया था उसमें काफी बारिश हो रहा था और बारिश में बिजली हम लोग के यहाँ पर नहीं थी, ट्रांसफार्मर जल गया था, तो इसी कारण जो है कि वीडियो नहीं बन पाया। तो चलिए आज आपका एक वीडियो बना, इसको अच्छे से पढ़िए और बिल्कुल घबराए नहीं, जो सही समय पर हम लोग का सिलेबस है और जैसे खुलेगा इसको एक बार रिवाइज भी करा देंगे और बाकी आपको पढ़ा भी देंगे। तो इसको आज का जो क्लास है अच्छे से इसको बनाएं।